नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि आज बिहार विधान परिषद के लिए नव निर्वाचित सदस्यों को आज परिषद में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। गया स्नातक और गया शिक्षक के साथ साथ सारण स्नातक से वीरेंद्र नारायण यादव और कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजीव कुमार सिंह हाल ही में चुनाव जीतकर आए थे, जिन्हें आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के अलावे विधान परिषद के कई माननीय सदस्य मौजूद थे। बीजेपी ने दो सीटों गया के स्नातक सीट से पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह, जबकि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के जीवन कुमार ने जीत हासिल की थी, जबकि सारण स्नातक पर जदयू के वीरेंद्र नारायण यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के संजीव कुमार सिंह विजयी हुए थे। बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सभी श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की उपलब्धता और अखंडता अभिपूर्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और जो विधायी प्रक्रिया है दोनों में अब शपथ ग्रहण करने के पश्चात जो अब पारी आ रही है तो इसमें अपने मतदाताओं का जो विश्वास है, उसने जो विश्वास जताया है उनके विश्वास पर मैं खड़ा उतरूँ, यही संदेश दे। शिक्षकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहना और उन समस्याओं के समाधान के लिए हर एक प्लेटफॉर्म पर अपनी गतिविधि को सक्रियता से निर्वहन कर। एक सवाल है, एक अहम सवाल है कि कल शिक्षा मंत्री ने लाख विरोध के बाद भी
यह बात स्पष्ट तौर पर कर दिया कि जो लोग विरोध कर रहे हैं चाहे महागठबंधन के लोग क्यों नहीं हो, वो गलत हैं। भाई साहब, मैंने भी देखा है शिक्षा मंत्री का जो वक्तव्य है वो शिक्षा मंत्री जी का, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री जी की बातों से सहमत नहीं हूँ। ये निश्चित रूप से नियमावली में जो पुराने जो नियोजन इकाई द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं और एसटीईटी टीईटी परीक्षा देकर के जो सड़क पर अपनी नियुक्ति की बात जोड़ रहे हैं उनके लिए नियमावली में संशोधन होना चाहिए। यह बात सही है जो कि पहली बार लगभग 17-18 वर्ष के बाद राज्य सेवा संवर्ग का गठन हुआ है, लेकिन उन लोगों के लिए एक शर्त रख दिया गया है, जबकि उन्हीं शिक्षकों के कंधे पर पूरे राज्य के बच्चों की पढ़ाई थी, तो उनके कार्यकाल की उनके सेवा काल की अनदेखी करके और परीक्षा की शर्त थोप देना, जो भी परीक्षा उसके पहले लिया गया है उस पर खड़े उतरे हैं, जो नहीं खड़े उतरे हैं नहीं खड़े उतरे हैं, जो खड़े उतरे हैं उनके लिए परीक्षा की शर्तों को थोपना गलत है। अब आगे क्या? आगे लड़ाई होगी, लड़ाई हो रही है सरकार के खिलाफ, सड़क पर उतरेंगे? मैं उतर रहा हूँ। देखिए, मैं मुझे शिक्षकों ने भेजा है, ये आप लोगों का गलत प्रश्न ही है। हमने आज शपथ लिया है, हमको विधान परिषद में शिक्षकों ने भेजा है, मैं उनकी बातों को रखूंगा ना, प्राथमिकता तो मेरी ये होगी और मैं हूँ उनकी लड़ाई के साथ हूँ। ठीक ठीक, धन्यवाद। जो काम हमने सोचा था फिर देखा का, तो उसको पूरा करने का मौका मतदाताओं ने फिर दिया है, उसी आधार पर मैं काम करूंगा और फिर नई चीजों को ध्यान में रखकर नई चीजों को जोड़ूंगा और जनता की सेवा करता हूँ। अपने मतदाताओं को किसी तरह से निराशा नहीं हो, ये मैं काम करते हूँ। सर, स्नातक शिक्षक क्षेत्र से आप जीते हैं? स्नातक से। कई विश्वविद्यालयों में सेशन लेट है, कई तरह की समस्या है, उसको लेकर क्या कुछ करना? बहुत दिनों से लंबित ये समस्या है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आते आते हम उसको समाप्त कर देंगे। उस समस्या के समाधान के लिए मैं सार्थक और ईमानदार प्रयास करूंगा, यही मेरा वादा है। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जीवन कुमार।